हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम पर्सनल नंबर को लॉक कर सकते हैं यानी कि अगर आपके मोबाइल नंबर पर आपका कोई पर्सनल नंबर है या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नंबर है और अगर उस नंबर से आपके पास कॉल आता है तो उस कॉल को कोई दूसरा नहीं उठा सकता है यानी कि हम उस पर लॉक लगा सकते हैं सिर्फ आप ही उस कॉल को रिसीव कर पाएंगे और साथ ही साथ अगर हम चाहें तो किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर और उसका कॉन्टेक्ट नेम भी हाइड कर सकते हैं जब वहां से कॉल आएगी तो उसका कॉन्टेक्ट नेम और नंबर डिस्प्ले नहीं होगा या ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम उसके डिस्प्ले नेम को चेंज कर सकते हैं यानी अगर आपके पास किसी मोहन नाम के व्यक्ति का फोन आ रहा है तो आप वहां पर एबीसीडी डाल सकते हैं यानी कि कोई भी आपके फोन में देखेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि मोहन ने कॉल किया है उसे केवल एबीसीडी लिखा हुआ दिखेगा वहां पर दोस्तों अब आप सोच रहे कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं उसकी क्या जरूरत पड़ती है तो दोस्तों मान लीजिए आप अपने ऑफिस में हैं या घर पर हैं और आप अपने मोबाइल को इधर उधर रख कर कहीं चले जाते हैं और उसमें ऐसी कोई कॉल आती है जो आप चाहते हैं कि कोई दूसरा उस पर रिसीव ना करे आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कोई भी पर्सनल नंबर हो सकता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप वहां पर नहीं है तो कोई दूसरा भी उसको कॉल को उठा सकता है पर दोस्तों आज मैं जिस ऐप के बारे में बताऊंगा उसको अगर आप अपने मोबाइल में डालकर इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपकी मर्जी के बगैर कोई भी आपकी पर्सनल नंबर या किसी भी कॉल को रिसीव नहीं कर पाएगा तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने पर्सनल नंबर पर लॉक लगा सकते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलती है नई नई जानकारी वो भी फ्री में हिंदी में तो बिना समय का अभी तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों आप मेरे मोबाइल को यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो चलिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और उस ऐप को हम अपने मोबाइल पर डाउनलोड करते हैं तो चलिए प्ले स्टोर में चलते हैं प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ऊपर यहां पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है काउच ग्रैम काउच ग्राम ठीक है तो दोस्तों ये हमें यहाँ पर ऊपर सर्च बॉक्स में लिख कर जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारी ऐप आ जाएंगी तो इसमें जो सबसे ऊपर वाली ऐप है वहाँ पर लिखा हुआ है काउच ग्राम कॉल एंड ऐप लॉक तो दोस्तों आप इस वाली ऐप को अच्छे से देख लीजिए और इसका आइकन भी आप यहाँ पर देख लीजिए और इसको जिस कंपनी ने बनाया उसका नाम है कौच ग्राम को डॉट एल टी डी और इसका आइकन इस तरह का है दोस्तों अगर आपको यह वाली ऐप नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वाली ऐप का लिंक मिल जाएगा तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इस ऐप के पेज में जा सकते हैं तो दोस्तों हम इस ऐप के पेज में अभी चले गए हैं यहाँ पर आप देखें इसको 5 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है और 4.3 की रेटिंग है जो कि बहुत ही बढ़िया है तो इस वाली ऐप को हम यहाँ पर इंस्टॉल की बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों अब ये ऐप मेरे फोन में पूरी तरह से डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुकी है तो मैं यहाँ पर ओपन की बटन पर क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वाली ऐप हमारे सामने ओपन हो चुकी है और हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन आ गई है और यहाँ पर हमारे सामने एक स्टार्ट का बटन है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ स्कैनिंग चल रही है तो ये हो चुकी है तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारे सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हुए हैं पहला है इनकमिंग कॉल लॉक सेटिंग्स दूसरा है एप लॉक सेटिंग्स और तीसरा है सेटअप लेटर लेकिन हम लोग लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर ऊपर वाली बटन पर क्लिक करेंगे इनकमिंग कॉल लॉक तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी और यहाँ पर हमारे सामने पांच ऑप्शन दिए हुए हैं जिनसे हम अपने कॉल्स पर लॉक लगा सकते हैं और सबसे नीचे यहाँ पर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है चूज ए लॉक टू यूज इन इनकमिंग कॉल स्क्रीन इसका मतलब ये हुआ कि ये हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर जो पांच तरह के जो लॉक दिए हुए हैं उनमें उन से कोई भी हम इनकमिंग कॉल स्क्रीन के लिए यूज कर सकते हैं तो चलिए एक एक करके इन सभी पांचों को देखते हैं कि ये क्या क्या है तो यहाँ पर सबसे पहला है पैटर्न लॉक तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि ऐसा रखें जो इजियर टू रिमेम्बर हो यानी कि हम भूलें ना बहुत ही आसान सा हो तो इसको ओके okay करते हैं तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम अपने कॉल स्क्रीन के लिए पैटर्न लॉक भी ले सकते हैं तो चलिए पीछे चलते हैं दोस्तों दूसरा ऑप्शन है टू डिजिट लॉक तो हम यहाँ पर दो अंकों का पासवर्ड सेट कर सकते हैं कॉल स्क्रीन के लिए और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है फोर डिजिट इस वाले ऑप्शन से हम चार अंकों का पासवर्ड सेट कर सकते हैं पिन सेट कर सकते हैं कॉल को पिक करने के लिए और यहाँ ऑप्शन है बटन मोड तो इससे हम यहाँ से कोई भी बटन सेलेक्ट करके बटन मोड को ऑन कर सकते हैं तो ये भी अच्छा ऑप्शन है और सबसे लास्ट है यहाँ पर कॉल बटन मोड तो ये थोड़ा नया जैसा लग रहा है दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो कॉल पिक करने वाली बटन होती है उस पर भी पैटर्न जैसा एक ड्रॉ कर सकते हैं हमें दो डायरेक्शन में इसको सेट करना पड़ेगा तो इसका यूज करके भी आप पैटर्न जैसा लॉक बना सकते हैं ताकि आप ही को पता हो कि किस तरह से कॉल को पिक करना है तो ये ऑल ऑप्शन भी बहुत ही बढ़िया है कॉल बटन मोड तो दोस्तों हम सभी पांचों को देख चुके हैं तो चलिए मैं यहाँ पर अभी पैटर्न लॉक का यूज करूंगा यहाँ पर अब मैं एक पैटर्न को ड्रॉ करता हूँ जो मैं चाहता हूँ की मेरी कॉल स्क्रीन पर आए एक बार मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज एंटर अगेन यानी कि दोबारा से डालिए तो मैं इसे दोबारा से डालता हूँ तो जैसे ही हम डालेंगे वैसे ही लिखा हुआ है सेटिंग सेव्ड और नीचे डन का बटन आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इस तरह की स्क्रीन आएगी यहाँ पर लिखा हुआ अनलॉक एंड रिसीव योर टेस्ट इनकमिंग कॉल यानी कि ये हमसे टेस्ट के लिए बोल रहा है एक बार आप टेस्ट कर लीजिए तो जो मैंने पैटर्न लॉक लगाया था उसको मैं यहाँ पर टेस्ट करके देखता हूँ कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेटअप कंप्लीट यानी कि ये सही से काम कर रहा है अगर आपको टेस्ट दोबारा से करना है तो टेस्ट अगेन की बटन पर क्लिक कर सकते हैं पर दोस्तों अभी के लिए मैं यहाँ पर डन की बटन पर क्लिक करूंगा और जैसे हम डन की बटन पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ हो रहा है हमारे कॉन्टेक्ट जो है वो इसमें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है इनकमिंग कॉल लॉग जो कि अभी ऑन है और नीचे यहाँ पर है हाइट कॉलर आईडी तो इससे आप कॉलर की आईडी को हाइड भी कर सकते हैं दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप चाहें तो किसी भी कॉलर आईडी की नंबर और उसके नेम को हाइड कर सकते हैं जब भी वो कॉल करेगा तो नेम और नंबर शो नहीं होगा और उसके नीचे यहाँ पर है रीनेम कॉलर आईडी अगर आप चाहते हैं तो उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं जब भी वो कॉल करेगा तो उसका नाम जो भी आप यहाँ पर रखेंगे वो आएगा लिख कर उसका ओरिजिनल नाम नहीं आएगा तो इन ऑप्शन को हम अभी बाद में देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर देखते हैं कि इनकमिंग कॉल लॉक कैसे काम करता है तो यहाँ पर अभी ये सेटिंग ऑन है तो चलिए दोस्तों किसी कॉल को हम लॉक करते हैं तो उसको लॉक करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे फोन के सभी कॉन्टेक्ट हमें यहाँ पर दिखाई देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लॉक ऑल यानी कि सारे कॉन्टेक्ट से अगर कॉल आएगी तो वो लॉक होंगे और उस पर वो पैटर्न लॉक लगाकर ही हम उसकी कॉल को रिसीव कर पाएंगे बट मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ मुझे कुछ ही नंबर को लॉक करना है जो कि बहुत ही ज्यादा पर्सनल है तो मैं इस नंबर को अभी लॉक करना चाहता हूं तो यहाँ पर एक ताले ऐसा निशान है इस पर हम क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं कि ये ताला अभी बंद हो गया यानी कि इस पर लॉक लग चुका है तो अब इस नंबर से अगर कॉल आती है तो उस कॉल को पिक करने के लिए मुझे वो पैटर्न लॉक की जरूरत पड़ेगी और कोई दूसरा इस नंबर से कॉल को पिक नहीं कर पाएगा अगर आप चाहते हैं सारे नंबर लॉक हो तो यहाँ पर लॉक कॉल पर क्लिक कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं तो दोस्तों मैंने एक नंबर को अभी आपके सामने लॉक किया तो चलिए मैं अपने फोन को अभी यहाँ पर बाहर आ जाता हूं और उस नंबर से अभी अपने फोन पर कॉल करता हूं तो पहले मैं अपने फोन को लॉक कर देता हूं तो मैंने अभी स्क्रीन को लॉक किया और जैसे ही मैं उस नंबर से कॉल करूंगा तो आप देख सकते हैं इस तरह का हमारे सामने पैटर्न लॉक आएगा और अगर मैं यहाँ पर गलत पासवर्ड को पैटर्न को डालता हूं तो हम इस कॉल को पिक नहीं कर पाएंगे जब तक मैं सही पैटर्न को नहीं डालूंगा तब तक हमारे सामने कॉल को पिक करने का ऑप्शन नहीं आएगा तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी अपने पर्सनल नंबर को लॉक कर सकते हैं और कोई दूसरा आपकी पर्सनल कॉल को पिक नहीं कर पाएगा तो दोस्तों अभी जैसे हमने कॉल किया था तो वहां पर हमें कॉलर आईडी और उसका नंबर दिख रहा था अगर हम चाहें तो उसका नाम और नंबर दोनों हाइड कर सकते हैं नीचे यहाँ पर ऑप्शन है हाइड कॉलर आई तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है हाइड कॉलर आई तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें उसी कॉन्टेक्ट में जाना है और उस पर क्लिक करके हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे हाइड नंबर और दूसरा यहाँ पर है हाइड नेम तो अगर आप नंबर को भी हाइड करना चाहते हैं और नाम को भी हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन दोनों को ऑन करके बहुत ही आराम से अपने पर्सनल नंबर की कॉलर आई यानी कि उसका नाम और नंबर दोनों को हाइड कर सकते हैं दोस्तों उसके नीचे है यहाँ पर रीनेम कॉलर आईडी तो ये ऑप्शन भी बहुत ही बढ़िया है अगर आप चाहें तो अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट का नेम चेंज कर सकते हैं जब भी वो कॉल करेगा तो यहाँ पर डिस्प्ले नेम कुछ और रहेगा और जब तक आप पैटर्न लॉक को सही नहीं डालेंगे तब तक उसका असली नाम शो नहीं होगा तो देखिये यहाँ पर इसका नाम मोहन है तो मैं इसको एबीसीडी कर देता हूँ ए बी सी डी करने के बाद दोस्तों अगर अब मैं उस नंबर से अपने फोन पर कॉल करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एबीसीडी यानी कि उसकी कॉलर नेम है वो चेंज हो गया और जब मैं यहाँ पर अपना सही पैटर्न लॉक डालूंगा उसके बाद ही मुझे उसका सही नाम और कॉन्टेक्ट डिटेल मुझे पता चलेंगी तो यह वाला ऑप्शन भी अच्छा है आप अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट को बहुत ही सेफ कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं और किसी दूसरे को ये भी नहीं पता चलेगा कि किसने आपको कॉल किया है तो ये ऑप्शन भी बहुत ही बढ़िया है तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी पर्सनल नंबर को बहुत ही आसानी से उसकी डिटेल और सबको हाइड कर सकते हैं आपके अलावा उस कॉल को कोई भी पिक नहीं कर पाएगा आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको इस सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप हमसे यूट्यूब सकते हैं यहाँ पर आपको हर रोज इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहती है अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करें दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियो दिख रहे होंगे तो आप इन वीडियो को भी जरूर देखें और इंजॉय करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए